बीन के लाते आटा, नहीं तो आटा मिलता है, नहीं बाजार बंद है, जो पेट भरा करता है रोटी मांगते, गड़िया गड़िया में कोई भाव दो रोटी देता है, कोई चार रोटी देता है, इसको पेट भरते हम तो, बाजार तो बंद पड़ी, मेरा आटा कहाँ से लाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो आप देख सकते हैं मेरे पीठ पीछे, और अभी इस लॉकडाउन की वजह से पूरे इंडिया में सभी जने परेशान हो रखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्क परेशान है ना वो मेरे जो पीछे हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो वर्क सबसे ज़्यादा परेशान है। तो गाइस अभी इनसे पूछते हैं अपन कि इनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए पहले आप बताओ, यहाँ अभी जो लॉकडाउन के बाद में कितने दिन से आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आटा बीन के लाते आटा, नहीं तो आटा मिलता है, नहीं बाजार बंद है, जो पेट भरा करता है रोटी मांगते, गड़िया गड़िया में कोई भाव दो रोटी देता है, कोई चार रोटी देता है, इसको पेट भरते हम तो, बाजार तो बंद पड़ी, मेरा आटा कहाँ से लाए। तो अभी आप लोग अगर कहीं जाते होंगे तो पुलिस वाले परेशान करता है, डंडा लेके ला रहे होता है, क्या करता है? मैं पुलिस वाला को कहता हूँ साहब राशन तो है नहीं, मैं क्या करेंगे, तो घड़ी घड़ी से मांग के खाते। कोई बात नहीं, अभी आप यहाँ पे पब्लिक से अपील कीजिए कि जितना हो सके वो लोग आपकी मदद करें, क्योंकि क्या है कि थोड़ा थोड़ा करने से सबकी मदद हो जाएगी। आप एक बार यहाँ पे देखिए, रिक्वेस्ट कीजिए, क्या पता कोई और हो जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। करेगा तो अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। आपसे मदद करोगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, मुझे गरीब लोग बाल बच्चे मर जाएगा, लॉकडाउन के कितने दिन का लगेगा। आप ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी इन लोगों को अच्छा खाने की जरूरत है, लेकिन अच्छा छोड़ो खराब खाना भी नहीं मिल रहा है इन लोगों को। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और जितना हो सके अगर आप नहीं आ सकते तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने ज्यादा लोगों की मैं मदद कर सकूँ उतने लोगों की मदद कर सकूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, और जितनी आपको हो सके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ज्यादा पैसा दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, जितना आप डोनेट करोगे उतना मैं इन लोगों के बीच में ही बांटूंगा। और भी इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काफी परेशान हो रखे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज इन लोगों की मदद कीजिए। आज के टाइम में, अभी के टाइम में, इस वक्त सबसे ज्यादा देश सेवा अगर कोई कर सकता है तो वो हम लोग ही हैं, और इन लोगों की मदद करके देश सेवा इससे बड़ी मेरे ख्याल से भी कोई नहीं हो सकती है। तो गाइस देखा आपने, इतने मुश्किल हालात हो चुके हैं यार अभी इस टाइम। खैर कोई बात नहीं, हमने भी डिसाइड कर लिया है कि जितना हो सकेगा, जितना हमसे होगा उतनी मदद हम हर समय करने के लिए तैयार रहेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं, और अब इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये सारे जो पैकेट्स हमने पैक किए हैं। और इसी बीच हमारे कुछ अजीज दोस्त गोपाल भाई और प्रवीण भाई का मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ यार, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ नहीं रहकर भी जो सहयोग दिया उसके लिए सच में ये बधाई के पात्र हैं। और गाइस जो भी आप में से ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई मदद करना चाहता हो इन लोगों की, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें, मुझसे बात करिए, सारा काम मैं करूँगा, सिर्फ आपको डोनेट करना है, बाकी सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। इन लोगों तक आपका पैसा और आपका डोनेशन बिल्कुल सही जगह जाएगा। और गाइज आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग आगे आएँ इन लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को अभी मदद की ज़रूरत है, बहुत सारे बेरोज़गार हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन के खाने के लिए भी तरस रहे हैं। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।